नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में आस्था का केंद्र जिला हरिद्वार में कई ऐसे पुराणिक मंदिर हैं जिनकी काफी मान्यता है। सिद्ध पीठ और शक्ति पीठ की काफी भूमि कही जाने वाली धर्म नगरी हरिद्वार में माँ दुर्गा के अनेक मंदिर हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है यहाँ का प्रख्यात माँ चंडी देवी का मंदिर। यहाँ चंडी देवी मंदिर में माँ भगवती खम्भ रूप में विराजमान है। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का रेला होता है, मगर पावन नवरात्रों के दौरान मंदिर की छटा अलग ही होती है। यही कारण है कि आज पहले नवरात्र पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। माँ चंडी देवी मंदिर का पौराणिक इतिहास है। मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं कि आदिकाल में जब शंभ निशंभ ने धरती पर प्रलय मचाया था, तब देवताओं ने उनका संहार करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें सफलता नहीं मिली तब जाकर उन्होंने माँ भगवती के सामने राक्षसों से मुक्ति पाने की गुहार लगाई। देवताओं की विनती पर माँ भगवती ने चंडी का रूप धारण कर उन दोनों राक्षसों का वध करने की ठानी। माँ चंडी देवी के प्रकोप से बचने के लिए शुंभ निशुंभ नील पर्वत पर आकर छिपे। तभी माता ने यहाँ पर खम्भ रूप में प्रकट होकर दोनों का वध कर दिया। इसके बाद देवताओं के आवाहन पर माँ चंडी मानव जाति के कल्याण के लिए इसी स्थान पर खम्भ रूप में विराजमान हो गई और आदिकाल में अपने भक्तों का कल्याण करती आ रही है। जो भी सच्चे मन से यहाँ भक्त आता है अपनी मुराद लेकर माँ चंडी उसे जरूर पूरा करती है। अपनी मुराद पूरी करने के लिए मंदिर परिसर में माता की चुनरी बांधने की मान्यता है। मुराद पूरी होने पर भक्त चुनरी खोलकर दोबारा मंदिर आते हैं और यही कारण है कि नवरात्रों के दौरान यहाँ पर दूर दूर से आने वाले भक्तों की लंबी कतारें नजर आती हैं। ऐसा ही नजारा माँ मनसा देवी के मंदिर में भी देखने को मिला। इसके साथ ही 52 शक्ति पीठों में पहला पीठ माया देवी मंदिर में भी माँ के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु भारी संख्या में माँ भगवती के दर्शन के लिए पहुंचे। कोरोना काल के चलते ये मंदिर 2 साल से सूना पड़ा था, लेकिन कोरोना के प्रभाव को कम होते ही मंदिर में रौनक फिर से लौट आई। नव भारत समाचार हरिद्वार से आशा रावत की रिपोर्ट। माता मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ बहुत शक्तिपीठ मंदिर है, जो दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। सबकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है माता मंदिर। कोरोना काल में सब ऐसे लोग अपने घरों में रहे, लॉकडाउन रहा, लेकिन अब माता की ऐसी कृपा रही, लोग अपने घर से निकल निकल के माता रानी के दरबार में दर्शन करने आ रहे हैं। मैं ही माता रानी से प्रार्थना करता हूँ सब अपने घर में खुशी से रहें, सुख शांति रहें। क्या नाम है आपका? भक्तों की अपार भीड़ जिसे बोलते हैं, हरिद्वार के कोने कोने से जो है भक्त आने शुरू हो जाएंगे और जो है अब आप देख ही रहे हो कि कितनी भीड़ आ ही रही है अभी, और ये सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक का जो है मंदिर के अंदर श्रद्धालु जो है भक्त अपने लाइन में आता है, लाइन से अपना जो है सब प्रसाद वगैरह जो भी है मतलब माई का वो लेके जाता है। क्या महत्व है इस मंदिर का? इस मंदिर का महत्व है ये जो है यहाँ जो है हरिद्वार का सबसे प्राचीन और सबसे पुराना मंदिर माया देवी है। और दक्ष की पुत्री कहाँ सती हुई थी? दक्ष कनखल में तो हुई थी, यहाँ योग क्रिया के द्वारा अपने जो प्राण त्यागे। सर्वप्रथम जो 52 शक्ति पीठ में जो है ना पहला स्थान यही है, फिर उसके बाद में तो जो है चापा नैना देवी, ज्वाला देवी, कांगड़ा जी, ज्वाला, चमुंडा, ये सब आदि मंदिर होंगे। सर्वप्रथम स्थान जो है हरिद्वार के अंदर माया देवी है। कौन सा उल्लेख किया था यहाँ पर? यहाँ जो है नाभि गिरी थी, जो माता जी की नाभि गिरी थी। कैसी मान्यता है यहाँ पर? मान्यता तो जो आप मांगोगे वो मिलेगा आपको, आज मांगो आपको कल मिल जाएगा। ये तो मांगने वाले को बर्बाद है, वो देने वाली तो वो बैठी है। आप मांग के तो देखो, यहाँ मांगने वालों की कमी है, देने वालों की कमी नहीं है। देने वाले तो दे रही है, और देखो आप देखो खुद कितनी भीड़ आ रही है,